अगर आपके पास टाइम कम है और जल्दी से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आपको सब्जी बनानी है जिससे कि आपका लंच परफेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आज हम बनाएंगे लौकी की सब्जी जिसमें हम चने की दाल ऐड करेंगे। अगर इस तरह से आप लौकी बनाते हैं तो आपको अलग से दाल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे कि हमारा लंच भी कम्प्लीट हो जाता है और न्यूट्रिशन भी हमको पूरा मिलता है। कि कम ऑयल में खट्टी मीठी चटपटी हमारी सब्जी बन के रेडी होगी जो बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल होम मेकर सुमन। आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेश ताज़ी लौकी ले ली है, इसे धुल करके छील लिया है और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। गर्मियों में आप सब्जी लेने जाएंगे तो आपको लौकी तोरई ये चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, तो समझ नहीं आता कि डेली इसको कैसे बनाएं, जो बच्चे भी खाएं तो आप इस तरह से इसको ज़रूर ट्राई करें। हमने लौकी को काट लिया है, इसे अच्छे से धुल लेंगे, 2 से 3 बार वॉश करके अब हम इसे बनाएंगे। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, 5 से 6 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली है, एक छोटा सा अदरक ले लिया है। इन सभी को अच्छे से काट लेंगे, छोटा छोटा बारीक काट लेंगे। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे आप बिना प्याज लहसुन के भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लौकी को चने की दाल के साथ बना रही हूँ, आप इसे मसूर की दाल के साथ भी बना सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पर 1/2 कप दाल ली थी जो भीग गई है अच्छे से, तो इसे 2-3 घंटे के लिए आप भिगो दें, कम से कम 1 घंटे के लिए तो ज़रूर ही भीगने दें। तो ये अच्छे से भीग चुकी है, सॉफ्ट हो गई है, तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। हम इसे सरसों के तेल के साथ बना रहे हैं जो बहुत ही कम हमने लिया, आप देख रहे हैं ज़रा सा ही ऑयल हमने इसमें सब्जी में डाला है। आप चाहें तो घी के साथ भी इसको बना सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें जीरा को ऐड कर देंगे। जीरा जैसे ही चटकने लगेगा हम इसमें प्याज लहसुन भी ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। इसमें हम थोड़े से साबुत मसाले डालेंगे, तो साबुत मसाले आप ज़रा ज़रा से ले लें, लेकिन उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा टुकड़ा इसमें दालचीनी का ऐड कर दिया, 1 या 2 आप लौंग ले लें और 2-3 दाने ही इसमें काली मिर्च के लिए हैं, और साथ ही ज़रा सी छोटी सी हमने काली इलायची जो आती है उसको तोड़ के डाल दिया है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च काट के ऐड कर देंगे। खड़े मसाले डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत ही अलग यूनिक लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब दाल को हमने इसमें ऐड कर दिया है, पानी इसमें ना डालें, थोड़ा सा पानी इसमें चला गया था, तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे। 10 से 15 सेकेंड के लिए आप इसे भून लें, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, और गैस की फ्लेम को आप स्लो पर ही रखें। चने की दाल को हल्का सा भूनने से इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगती है, तो इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। दाल को हमने साइड में कर दिया है, बीच में इस तरह से स्पेस बना लेंगे, इसी में मसाले डालेंगे, क्योंकि ऑयल तो हमने इसमें बहुत कम यूज़ किया है। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, थोड़ी सी धनिया पाउडर इसमें हम डाल देंगे, ज़रा सी लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि हमने 2 हरी मिर्चें भी इसमें ऐड की थी, और ज़रा सा चुटकी भर हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, खड़ा मसाला भी हमने इसमें डाला हुआ है। तो इन सभी को हल्का सा भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें टमाटर नहीं डालती हूँ, उसकी जगह पे मैं इसमें थोड़ी सी खटाई डाल देती हूँ, तो उससे इसका टेस्ट ना सांभर जैसा लगता है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो अब इसे हम सब्जी को इसमें मिला करके थोड़ा सा चला लेंगे, 1/2 मिनट के लिए आप इसे भून लें। अब हम इसमें मैंगो पाउडर ऐड कर देंगे। गाइस, मैंगो पाउडर या इमली आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसे खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें ऐड कर दीजिए। सभी को मिला करके हम 1/2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि लौकी में इसका मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। गाइस, नमक के साथ ही हम इसमें थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी थोड़ी मीठी अच्छी लगती है, तो आप चाहे किसी भी तरह से लौकी बनाए उसमें अगर आप ज़रा सी चीनी डाल देते हैं तो बहुत ही फ्रेश इसका टेस्ट आता है। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला दिया है, करीब 1/2 ग्लास पानी था। सादा लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें बहुत ही कम पानी डालने की ज़रूरत होती है अगर आप कुकर में बना रहे हैं, क्योंकि लौकी में पानी बहुत ही होता है। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 सीटी लगाएंगे, तो पहली सीटी जब आ जाए तो आप इसको हल्का सा स्लो करके 2री-3री सीटी लगा लीजिए। वैसे 2 सीटी में दाल अच्छे से पक जाती है, क्योंकि पहले से ही भीगी हुई है, सॉफ्ट है। जब तक सब्जी हमारी बन रही, हमने धनिया को भी काट के अलग रख लिया था, और साथ ही अब हम चावल भी बना लेते हैं। चावल को अच्छे से हम धुल लेंगे, 2 से 3 बार इसे धुलने के बाद जिस कटोरी से हमने चावल को नापा था उसी से पानी को भी मेजर करेंगे। जस्ट डबल इसमें हमें पानी ऐड करना है। 1.5 कटोरी चावल थे तो हमने यहाँ पर 3 कटोरी पानी इसमें ऐड करके साइड में रख दिया है।
चावल को अगर आप भिगो करके बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी और खिले खिले चावल बनते हैं। 10 मिनट के लिए हम इसे भीगने दे रहे हैं। हमारी सब्जी भी बन गई है, इसमें 3 सीटियाँ आ गई थी, तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट हमारी सब्जी बनी है और कितनी फ्रेश और हेल्दी लग रही है देखने में। इसमें हम फ्रेश धनिया भी ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छी सब्जी से खुशबू आ रही है, मुझे तो बहुत पसंद है ये सब्जी। तो अगर आपको पसंद है गाइस, आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप इसको कौन सी दाल के साथ बनाते हैं। बहुत जगह मसूर की दाल के साथ बनाया जाता है। चावल भी 10 मिनट भीग चुके थे तो इसे भी हम बना लेते हैं। तो कुकर में मैंने इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया है, जिससे ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कुकर में 1 सीटी आने पर हमारे चावल बन जाएंगे। तो आप इसे जैसे ही विसल आए उसके बाद आप इसका हल्का सा प्रेशर निकाल दीजिए, जिससे कि हमारे चावल ओवर कुक ना हो। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस रेसिपी को हर घर में बनाया जाता है, मुझे मालूम है, क्योंकि लेडीज़ में बहुत मेहनत करती हैं और एक साथ आप इस तीनों चीज़ों को बनाते हैं। एक तरफ सब्जी बना लेते हैं, एक तरफ चावल बना लेते हैं और एक तरफ रोटियां भी हम बना सकते हैं। तो 3 बर्नर अगर हैं तो आप झटपट से 10 मिनट में खाना बना सकते हैं। लेकिन आप अगर इस तरह से लौकी के साथ चने की दाल डाल देते हैं तो आपको दाल अलग से नहीं बनानी पड़ती है। थोड़ा सा घी ऊपर से हम ऐड कर देंगे, जिससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। लंच की थाली रेडी हो गई है, थोड़ा सा सलाद, दही और अचार भी हमने रख दिया है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।